नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये मल्टी कलर में गणेश जी लेकर आई हूँ। आजकल तो वैसे आस्था के अनुसार लोग अपनी ड्रेसेस पे सिर्फ फैमिली सजाने लगे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप इसे अपने मंदिर के पर्दे पर बना सकते हैं, मंदिर में इसे फ्रेम करवा के रखवा सकते हैं। और ये मुकुट ऊपर, इसके ऊपर सिंपल बनेगा। और ये मैंने 26 फंदों में बनाया है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे आपके पर्दे में या आपके स्वेटर पर। देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत गणेश जी बने हुए हैं। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दें और घंटी को भी बजा दें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू न्यू लेटेस्ट वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी आस्था को एक नया रूप दें। वैसे मंदिर में ये बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में गणेश जी जो हैं वो उनके ही अच्छे लगते हैं, माने अच्छे माने जाते हैं मतलब। तो चलिए गाइस, हम देख लेते हैं ये हमने किस तरीके से बनाया है। हमने बची हुई थोड़ी सी ऊन ली है, येलो, मेहरून और पिंक कलर की। ये हमारे स्वेटर से बची हुई ऊन पड़ी थी, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमने वाइट कलर की ऊन ली है, इसका हमने बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर आप जिस चाहे कलर का बना सकते हैं। ये हमने 26 फंदे लिए हुए हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें अपना दूसरा कलर मैरून कलर एडजस्ट कर लिया है, और उसके बाद में हम देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, सॉरी चार फंदे हमने वाइट लिए हैं। अब यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन फंदे हमने मेहरून के ले लिए हैं। उसके बाद में एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच फंदे हमने, छः, पांच फंदे हमने वाइट के लिए फिर से। और अब हम यहाँ पर आठ फंदे मेहरून के ले रहे हैं। गाइस, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ, आप चाहें तो फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंड रो उल्टी सिलाई, देखिए हमने पांच फंदे अपने बना लिए हैं। अब उसके बाद में हम मेहरून बना रहे हैं अपना मेहरून कलर। मेहरून के ऊपर हम मेहरूनी एडजस्ट कर रहे हैं, और एक फंदा हमने बचा लिया है वो वाइट से बना रहे हैं। अब यहाँ पर एक फंदा वाइट से बनाने के बाद में फिर से हमने एक फंदा मेहरून से बनाया। एक, दो, तीन, तीन फंदे बनाने के बाद एक, दो फंदे हमने महरूम से बनाए। उसके बाद फिर सारे फंदे हम वाइट के बनाएंगे। थर्ड रो हमारी, देखिए पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ फंदे हमने वाइट के बनाए। अब तीन फंदे हम मेहरून के बनाएंगे। उसके बाद तीन, चार फंदे हमने वाइट के बनाए। उसके बाद एक, दो, तीन, चार फंदे हमने मेहरून के बनाए।
और उसके बाद में बाकी फंदे हम व्हाइट के बना देंगे। उसके व्हाइट के बनाने के बाद में देखिए हमने एक रो अपनी व्हाइट की बना ली है, इसे सीधी सिलाई पर लेकर आ गए हैं हम। यहाँ पर हमने येलो और पिंक कलर भी जोड़ लिया है, ये देखिए। अब एक दो दो फंदे हमने बना लिए हैं। एक फंदा हमने पिंक का लिया है, दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हमने पिंक के लिए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह फंदे हमने येलो के ले लिए हैं। एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हमने फिर से पिंक के लिए हैं। और बाकी के फंदे हम वाइट बना लेंगे। यहाँ पर आप बनाइए स्वेटर पर तो फंदे थोड़े से ज़्यादा रखिए 30 के करीब में, क्योंकि हमारे साइड में मैंने एक भी फंदा नहीं बचाया है क्योंकि थोड़ा व्यस्तता के कारण में। अब देखिए एक फंदा हमने साइड में बढ़ा लिया है, पाँच पांच फंदे हमने फिर से पिंक के बनाए हैं, पर इधर एक बढ़ाने के बाद में यहाँ पर हम येलो फंदे बना रहे हैं जो कि हम 14 बनाएंगे। फोर्टीन फंदे बनाएंगे हम। फाइव फंदे फिर से पिंक के। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे ग्राफ के रूप में शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ग्राफ के हिसाब से आगे का बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने ये माला बनाई है, ये हमारी सूंड है और ये हाथ है आशीर्वाद देता हुआ जिसमें कि लड्डू है, और ये माथे का तिलक है। उसके नीचे हमने छोटी सी आँख बनाई है और ये मुकुट बना हुआ है। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज इस वक्त व्यस्तता के कारण मैं नहीं बता पा रही हूँ आपको, फुल रूप से सॉरी। आप प्लीज़ मुझे अगर आप जानना चाहते हैं तो डिटेल में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए यथासंभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेके आऊँगी। और ये हमने बिल्कुल बची बची ऊन से ही बनाया है। तो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री गणेश, जय नमः।